देश दुनिया की एक और इसराइली खबर एक बार फिर हुआ आपके ना सामने हाजिर। कि हमारे देश से इसराइल इसराइल बहुत सारे मजदूर गए थे, आप लोगों को याद होगा। अब उनका क्या हाल है वहाँ पर, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत सारी और भी खबरें हैं, आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले आपको मैं मिडिल ईस्ट की तरफ लिए चलता हूँ। 3 दिन पहले जॉर्डन का एक पूर्व सैनिक बॉर्डर पर पहुंचता है और इजरायली पुलिस वालों के ऊपर हमला कर देता है। ट्रक लेकर पहुंचा था और उसने वहां पर जाकर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 3 इजरायली पुलिस वालों की मौत हो गई। इस घटना के बाद जॉर्डन के लोगों ने काफी जश्न मनाया। हमास ने भी जॉर्डन के उस पूर्व सैनिक को काफी बधाई दी, उसके लिए मगफिरत की दुआ की, क्योंकि इजरायली पुलिस ने उसको भी मार दिया था। फिलहाल इस घटना के बाद जॉर्डन के और मिस्र के लोगों की थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी और अब बॉर्डर पर मिस्र और जॉर्डन के लोग पहुंचकर इजरायली सेना के ऊपर हमला करना शुरू कर चुके हैं। कल फिर एक घटना सामने आई है और इस बार ये घटना मिस्र के बॉर्डर पर थी। मिस्र से एक 4-व्हीलर इजरायल के बॉर्डर पर पहुंचती है। उस 4-व्हीलर में कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने बॉर्डर पर जाकर इजरायली सेना के ऊपर, इजरायली पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बहुत सारे पुलिस वालों के घायल होने की खबर सामने आई है और कुछ लोगों की मौत भी हुई है, हालांकि आंकड़ा पूरा सामने नहीं आया है। अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद मिस्र की वो कार वापस मिस्र लौट गई। इजरायली सेना उनके ऊपर गोलीबारी नहीं कर पाई। मिस्र के बॉर्डर पर भी सेम उसी तरह की घटना हुई जिस तरह की घटना 3 दिन पहले जॉर्डन के बॉर्डर पर हुई थी, और उसी घटना से प्रेरित होकर, इंस्पायर होकर मिस्र के लोगों ने भी बॉर्डर पर जाकर इजरायली सेना के ऊपर हमला किया, क्योंकि जॉर्डन के जिस पूर्व सैनिक ने इजरायली सैनिकों के ऊपर हमला किया था उसको काफी प्यार मिला, उसकी मफ़रत की दुआएं हुई, जश्न मनाया गया। जॉर्डन के अंदर अब ये भी बात चल रही है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन जो है हमारा, उसको ख़त्म कर देना चाहिए और हमें इसराइल से सीधे लड़ाई करनी चाहिए। फिलहाल अब ये एक घटना हुई, दूसरी घटना हुई, अब ऐसे में लोगों का थोड़ा सा हौसला ऐसी घटनाओं से और बढ़ेगा और देखना आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारी ऐसी खबरें हमारे सामने आएंगी कि बॉर्डर पर इसराइली सेना के ऊपर हमला हो रहा है। दोस्तों, जॉर्डन के जिस पूर्व सैनिक ने इजरायली सैनिकों के ऊपर हमला किया था, हमला करने जब वो जा रहा था तो उससे पहले एक लेटर अपने घर पर छोड़कर गया था अपने माँ बाप के नाम। उसमें कहा था कि मुझे माफ़ कर देना, मैं शहीद हूँ और अल्लाह की यही रज़ा है, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए ये करने जा रहा हूँ। आप मुझे भले ही याद मत करना, लेकिन मैं जो करने जा रहा हूँ आप उसको हमेशा याद रखना। इसराइल जो हमारे फिलिस्तीनी भाइयों पर कब्जा करके बैठा हुआ है, उनको मार रहा है, मैं जो काम करने जा रहा हूँ इस काम से प्रेरित होकर जो जॉर्डन के और युवा हैं, जॉर्डन के जो और लाडले हैं, वो भी आगे बढ़ें, अपना रुख साफ करें, मुझे देखकर मुझसे प्रेरित होकर आगे ऐसा काम करें। हमला करने जाने से पहले उसने बाकायदा एक लेटर लिखा था जिसमें अरब के लड़कों से भी ये बात कही थी कि आप फिलिस्तीन की माँ बहनों के लिए उठें और आगे बढ़ें। एक लंबा चौड़ा लेटर अब वो सामने आया है। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले महीने इसराइल ने हिजबुल्ला के एक बड़े कमांडर फौद शुक्र को एयर स्ट्राइक करके मार दिया था। उनकी मौत के बाद हिजबुल्ला ने बदला लेने की कसम खाई और इसराइल के ऊपर 300 से ज़्यादा रॉकेट दागकर ये कहा कि हमारा बदला पूरा होगा। हिजबुल्ला के उन्हीं सबसे बड़े कमांडर फौद शुक्र के भतीजे सैयद हुसैन शुक्र को भी इसराइल ने एयर स्ट्राइक करके मार दिया। अब देखते हैं कि हिजबुल्ला इनकी मौत का बदला इसराइल से लेता है या नहीं लेता है। फिलहाल इसराइल के हमले गाजा पर लगातार जारी हैं। खान यूनुस के अलमवासी क्षेत्र में सेना ने खतरनाक हमला किया। बहुत सारे तंबू वहां पर बने हुए थे, उन तंबुओं पर हमले किए जिसमें से 40 फिलिस्तीनी मारे गए, 60 बुरी तरह से घायल हो गए। इसराइल ने हवाई बमबारी तकरीबन 20 तंबुओं पर की और ये जो हवाई बमबारी की ये इतनी ख़तरनाक थी कि जो बम ज़मीन में गिरा तकरीबन 9-9 मीटर गहरे गड्ढे वहां पर हो, टेंटों में रहने वाले पूरे के पूरे परिवार जलकर राख हो गए। उधर लाल सागर से एक और खबर आ रही है हुतीज को लेकर कि हुतीज ने एक और MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया और ये 10वां MQ-9 रीपर ड्रोन अब अमेरिका का हो गया। हुतीज तो MQ-9 रीपर ड्रोन को ऐसे गिरा रहे हैं मानो कोई हलवा हो। MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिका का सबसे खतरनाक ड्रोन में से एक माना जाता है।
लगातार हुतीज निशाना बना रहे हैं और इस 10 महीने की जंग के दौरान तकरीबन 10 MQ-9 रैपिड ड्रोन मारे जा चुके हैं। गाजा के अलावा IDF ने लेबनान में भी हमले किए। IDF की तरफ से कहा गया कि हमने हिजबुल्ला के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन खबरें ऐसी आ रही कि बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों को इसराइल डिफेंस फोर्सेज ने निशाना बनाया है जो पूरी की पूरी जमींदोज हो गई। तो मिडिल ईस्ट में इसराइल का जहां दिल चाहता है वो वहां पर एयर स्ट्राइक कर देता है। अभी 2 दिन पहले सीरिया के अंदर एयर स्ट्राइक की थी जिसमें तकरीबन 22 लोगों की मौत की खबर अब आ चुकी है। पिछले रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था 15 लोग मरे थे, लेकिन अब 22 लोगों की मौत की खबर है। तो हर जगह इसराइल एयर स्ट्राइक करता रहता है, नाम लेता है कि हमने आतंकवादियों के ऊपर एयर स्ट्राइक की। अब खबर आपको अपने देश से जुड़े मजदूरों की बता देता हूँ। हमास ने जब इसराइल के ऊपर हमला किया था तो इसराइल के अंदर जो काम करने वाले थे, जो फिलिस्तीन से जाते थे, इसराइल ने उन पर रोक लगा दी। फिलिस्तीन के लोग अब इसराइल के अंदर जाकर काम नहीं करते हैं, जो मजदूरी दिहाड़ी वाले होते हैं कंस्ट्रक्शन एरिया में जो काम करते हैं। इसराइल ने हमारे देश से 1,00,000 मजदूरों की मांग की। हमारे यहाँ पर बाकायदा इंटरव्यू हुए और बहुत सारे श्रमिक मजदूर इसराइल पहुँच गए। दोस्तों, हमारे यहाँ से जो मजदूर इसराइल पहुँचे वो ऐसे मजदूर थे जिनको कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि 20-20 साल के लड़के भी इसराइल पहुँच गए कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के लिए। जिनके पास उस साइट पर काम करने का एक्सपीरियंस ही नहीं था, उनको हथौड़ा उठाना ही नहीं आता है, फावड़े चलाना ही नहीं आता है, ईंटें उठाना ही नहीं आता है, उनकी हालत ख़राब हो गई 2-4 दिन काम करने के बाद, 1 महीना काम करने के बाद ठीक से काम ही नहीं कर पाए, एक्सपीरियंस ही नहीं था, जिसके बाद उस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने उनको वहाँ से निकाल कर कहीं और अब लगा दिया है। 100 बात की सीधी एक बात यह है कि जो मजदूर यहाँ से गए थे उसमें से बहुत सारे लोग वहाँ पर जाकर काम कर ही नहीं पाए, मेहनत कर ही नहीं पाए और उनको कंपनी ने अब दूसरी जगह किसी और काम में लगा दिया। अब वहाँ पर पैसा थोड़ा सा कम भी मिल रहा है। अब इसराइल दूसरे देशों से मजदूर मंगा रहा है। जब इसराइल में काम करने का ऑफर आया था तो हमारे यहाँ के लोगों ने सोचा चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर काम करेंगे, ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम ले लिया गया और वो काम कर भी नहीं पाए। ऐसे लोग भी वहाँ पर पहुँच गए जिन्होंने यहाँ पर कभी ऐसा काम किया ही नहीं था, मेहनत मजदूरी वाला, वहाँ पर पहुँचे तो भाई हालत ख़राब हो गई। फिलहाल अभी इसराइल ने उनको वापस तो नहीं भेजा है, लेकिन दूसरे कामों में शिफ्ट कर दिया। शीघ्र अमेरिकी अधिकारी ने हिजबुल्ला के खिलाफ युद्ध छेड़ने पर इसराइल के लिए विनाशकारी परिणामों की चेतावनी दी है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर आपको बता रहा हूँ। इसराइल में एक विचार है, आओ युद्ध करें और हम हिजबुल्ला के पास मौजूद सभी मिसाइलों को नष्ट कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये इतना आसान नहीं है, कोई जादुई उपाय नहीं है, दूसरे पक्ष को नष्ट नहीं किया जा सकता। युद्ध के आखिर में इसराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है और वो अपने टारगेट हासिल नहीं कर पाएगा। ये बाकायदा अमेरिकी अखबार एक्सियोस की तरफ से कहा गया। वो वाकई में ऐसा है, इसराइल को ऐसा लगता है कि हम बहुत ताकतवर हैं, हर जगह जाकर एयर स्ट्राइक कर देंगे और हम जीत जाएंगे, उनके ठिकानों को नष्ट कर देंगे, हम जीत जाएंगे। लेकिन अब वो लोग इसराइल से 4 कदम आगे चल रहे हैं। सपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।